मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने दिल्ली के शाही इमाम द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शाही इमाम ने जो कुछ कहा सही कहा है, मैं उनकी बात से 101% सहमत हूँ। देश के हालात बहुत खराब हैं, ऐसी तबाही कभी नहीं हुई जो नूह में हुआ, जहां लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट सके। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे, प्रधानमंत्री हमारे मन की बात भी सुने। सपा सांसद ने आगे बोलते हुए कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। वहीं उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि देश में कानून खत्म हो गया है, अब सरकार से लोगों का भरोसा उठने लगा है। उन्होंने कहा कि यह बदनसीबी है कि प्रधानमंत्री एक पार्टी तक सीमित हो गए हैं और राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। देखिए, शाही इमाम साहब ने जो भी कहा है वो 101% बिल्कुल सही कहा है, उनको कहना चाहिए भी था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, जिस तरह से नूह के अंदर लोगों के मकान उजाड़ दिए गए, पन्नी डाल के रहने वाले बेचारे जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते, उस पर बुलडोजर चला दिया उनको, वो तो काबिले रहम सभी के नहीं होते। नूह के अंदर पुलिस के एस्कॉर्ट में, आगे भी पुलिस पीछे भी पुलिस, ऐलान हो रहा है बाजार में कि जो दुकानदार मुसलमानों को अपनी दुकान में नौकरी से नहीं निकालेगा तो उसका बायकॉट होगा। ये कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे अभी कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट दे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की आज मुसलमान के साथ खड़ी है। तुम चाहते क्या हो आखिर देश के अंदर? क्या तुमने मणिपुर का हशर कर दिया? इंसानियत तार तार हो गई वहां पर? तुम्हें मासूम बच्चियों की बेबसी नहीं दिखाई दी, जिनकी सरे राह इज्जत और उनकी आबरू को उछाला गया? तुम्हें उस माँ की सिसकियां नहीं सुनाई दी जो सारी रात अपने बेटे के लाश के साथ लेटी भी रोती रही? तुम्हें उस महिला की, बुजुर्ग महिला की बेबसी नहीं सुनाई दी, जो 80 साल की महिला जिसको मकान में बंद करके आग लगा दी गई? न जाने ऐसा कितने वाकयात हो गए। ना तो मुसलमान किसी से डरता, वो अपने पैदा करने वाले के अलावा किसी से नहीं डरता, और उसे भरोसा है कि उसका मालिक जो हम सब का मालिक है, परवरदिगार है, वो हमारा मुहाफिज है। ये सब कुछ कितना ही कर लें, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द ये बर्बाद कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बर्बाद कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मुसलमानों के मन की बात नहीं सुनते हैं? कहां सुनते हैं? प्रधानमंत्री के मुंह से आपने कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात सुनी है? मुझे सुनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से, मुख्यमंत्री से या बड़े नेता से आपने सांप्रदायिक सौहार्द की बात सुनी है आज तक? सुनी हो तो मुझे बताना आप। तो आखिर देश को कहां लेके जाना चाहते हैं? शाही इमाम के बयान का समर्थन, यकीनी तौर पे शाही इमाम साहब के इस बयान का पूरा पूरा समर्थन करते हैं।